ऑलराइट दोस्तों, इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ, जी हाँ, जहां पे मैं आपको बताता हूँ अगले महीने में कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, दो तीन चीजें वीडियो चालू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ। वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। प्लीज 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 दोस्तों, अगर बाहर जाते हो मास्क लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जितना हो सके प्रिकॉशंस लीजिए, हाथ धोइए दोस्तों, डोंट टच योर फेस विथ योर हैंड्स। ये सब बेसिक प्रिकॉशंस है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बच सकते हैं। Please take precautions. That is very very important. दूसरी बात, अगर स्मार्टफोन्स के बारे में बात करूँ, आपको पता ही है हमारा अपकमिंग का जो वीडियो होता है बहुत पॉपुलर होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन एक दो चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो पिछले दो तीन महीने हुए हैं दोस्तों, द नंबर ऑफ फोन्स दैट हैव लॉन्च्ड, क्रेजी। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले दो तीन महीने में कितने फोन्स लॉन्च हुए, लिटरली मोर देन 50 फोन्स। हाँ, सैमसंग ने कुछ, अगर आप देखोगे दो तीन महीनों में 14-15 फोन्स, अलग अलग फोन्स लॉन्च किए हुए हैं। अगर मैं रियलमी के बारे में बात करूं, 10-12 फोन्स लॉन्च हुए हैं। शाओमी के बारे में बात करूं दोस्तों, अगर शाओमी, पोको और मी, मतलब रेडमी, मी एंड पोको, ये कंबाइन करते हो, कुछ 12-15 फोन्स टोटल आए हुए हैं। इन लोगों के ही अगर आप मिलाओगे तो कुछ 45-50 फोन्स होते हैं। सोचिए द नंबर ऑफ फोन्स दैट आर गेटिंग लॉन्च्ड। बट आई टेल यू व्हाट, मई जो होगा ये मार्च और अप्रैल के जैसे इतना ज्यादा चौको ब्लॉक फुल नहीं होगा लॉन्चेस के साथ, बट कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फोन जरूर आने वाले हैं जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फोन जिसके लिए मैं सीरियसली रुका हुआ हूं, वो है गूगल पिक्सल 5a। जी हाँ, आयो अराउंड 18 को होने वाला है और मेरे हिसाब से दोस्तों लॉन्च होगा अराउंड सेम टाइम। क्यों कह रहा हूं, जनरली 4-5 महीने पहले बाहर होता है, उसके बाद में इंडिया में आता है, लेकिन इस टाइम दोस्तों मेड इन इंडिया होने वाला है। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग पिक्सल 5a 5G की जो होने वाली है वो इंडिया में ही होगी। सो देयर आर स्ट्रांग चांसेस कि मई में ही गूगल पिक्सल 5a हमें देखने को मिल जाए इंडिया में। आई एम रियली वेटिंग दोस्तों। वैसे सैमसंग के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने 14-15 फोन्स लॉन्च किए, लेकिन दे आर नॉट स्टॉपिंग। जी हाँ, मई में भी शायद 2-3 फोन्स आ सकते हैं। इनफैक्ट अभी ऑलरेडी M42 5G आने वाला है 2-3 दिनों में, दैट इज गेटिंग लॉन्च। उसके बाद में F सीरीज का भी एक फोन आएगा और हो सकता है कि S21 FE, जी हाँ, S21 का 5 फैन एडिशन जो है वो लॉन्च हो जाए। सो अगेन 2-3 फोन्स कमिंग फ्रॉम सैमसंग इन मे, ऐसे लग तो रहा है, बट आई एम श्योर एक फोन तो जरूर आएगा, एंड S21 FE 5G, आई एम नॉट टू श्योर। वीवो की तरफ से दोस्तों इसी महीने में वीवो V21 5G आ जाएगा। सो यस, उनकी तरफ से इसी महीने के एंड में आ जाएगा, लेकिन वो सेल पे मे में जाने वाला है, और मे में मुझे नहीं लगता है दूसरा कोई फोन वीवो की तरफ से आएगा। V21 इज अ वी सीरीज जो होती है वो बहुत पॉपुलर होती है। सो यस, दैट इज कमिंग May, April 30th। और दोस्तों, वीवो का जो सब ब्रांड है आईको की तरफ से आईको Z3 भी आ सकता है अराउंड May 15th और सो। इन्फिनिक्स, यस, इनकी तरफ से भी एक या दो फोन आ सकते हैं दोस्तों। एक तो है उनका 10S, नोट नहीं, Hot 10S, जी हाँ, Hot 10S जो है वो आ सकता है। एंड Note 10 Pro, इसके कुछ रूमर्स लीक्स आए थे कि भाई 5 कैमराज वगैरह पीछे की तरफ, तो वो भी आ सकता है। आई एम प्रीटी श्योर कि इनका जो Hot 10S है वो आ जाएगा, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। एंड Note 10 Pro, आई एम नॉट श्योर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पोको के बारे में। जी हाँ, पोको की तरफ से भी एक फोन आने वाला है और वो भी 5G फोन आने वाला है, पोको M3 Pro। ये BIS वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हो गया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है पोको M3 Pro 5G जो है वो मई या अराउंड मिड मई में लॉन्च हो जाए इंडिया। ऑलराइट, चाइना में दोस्तों इसी महीने में रेडमी का गेमिंग फोन जो है वो लॉन्च होने वाला है, शायद ये डायमेंसिटी 1200 पे वगैरह होगा, ऐसे कहा जा रहा है, आई एम नॉट रियली श्योर, आने दीजिए, उसके बाद में बताता हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शायद इंडिया में जब आएगा तो पोको के ब्रांडिंग के नीचे आ जाए, माइट बी पॉसिबल। जी हाँ, ये सब रीबैज इधर से उधर रीनेम करके फोन्स लॉन्च करते हैं, तो यस, मे में शायद पोको का एक गेमिंग फोन आ जाए, वेरी मच पॉसिबल। बात करते हैं रेडमी की। रेडमी की बड़ी सीरीज उनकी नोट सीरीज होती है जो लॉन्च हो गई है ऑलरेडी, लेकिन बजट सीरीज जो होती है, नंबर सीरीज जो होती है जहां पे नोट नहीं होता है, रेडमी 10, रेडमी 10a, रेडमी 10i, रेडमी 10 प्रो, ओ माय गॉड, ये सब जो सीरीज है 4-5 होते हैं अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन के साथ, लेकिन रेडमी 10 सीरीज जो है वो भी दोस्तों मई में डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगी। आई एम प्रीटी श्योर इट इज गोइंग टू लॉन्च इन मई इटसेल्फ, मिड मई के अराउंड 2nd या 3rd week ऑफ मई इट विल लॉन्च। ऑलराइट, रियलमी के बारे में बात करते हैं। थोड़े कन्फ्यूजन है, पहले कन्फ्यूजन नहीं था लेकिन अभी कन्फ्यूजन है, हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। अब माधव शेठ जी यूज कर रहे हैं मैक्स,
जी हाँ, तो Realme X7 का Max Edition जो Extreme Edition था चाइना में लॉन्च हुआ था, वही इधर X7 Max के नाम से आ जाए। ये Dimensity 1200 के ऊपर होने वाला है। बट दोस्तों, बहुत सारे रूमर्स अगर आप देखोगे तो Realme GT एंड Realme GT Neo की तरफ भी पॉइंट करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि शायद हो सकता है कि सिर्फ X7 Max लॉन्च कर दे, बट देर आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग चांसेस इधर Realme GT या फिर Realme GT Neo, इन दोनों में से एक लॉन्च हो जाए। मुझे लगता है जो GT है, Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर 888 प्रोसेसर वाला जो फोन है GT, वो शायद पोस्टपोन हो जाए, तो GT Neo आ सकता है एंड Realme X7 Max डेफिनेटली आ सकता है। और एक फोन है दोस्तों, ओ माय गॉड, द अमाउंट ऑफ फोन्स Realme इज लॉन्चिंग। बट एनीवेज, Realme 8 5G जैसे आ गया है, वैसे ही Realme 8 Pro 5G जो Geekbench में ऑलरेडी लिस्ट हो गया है, एंड बीच में मैंने सुना हुआ था कि Realme 8 5G एंड Realme 8 Pro 5G दोनों भी आने वाले हैं। तो 8 5G लॉन्च हो चुका है, मई में शायद Realme 8 Pro 5G भी आ सकता है। ये Qualcomm Snapdragon 750G इस प्रोसेसर पे होने वाला है। सो यस, वैसे देखा गया, मुझे लगा था कि मई में ज्यादा फोन्स नहीं लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन अब लिस्ट देख रहा हूं तो धड़ाधड़ मई में भी बहुत सारे आ रहे हैं। और दोस्तों, आपको ओप्पो के समय बताना भूल गया, ऐसे भी अभी खबरें आ रही हैं कि ओप्पो की रेनो 6 सीरीज जो है वो मई में लॉन्च हो सकती है। तो ओप्पो की तरफ से भी मल्टीपल फोन आ रहे हैं। ओ माय गॉड, टेक्नो, नोकिया, माइक्रोमैक्स, लावा, इनकी तरफ से भी आ सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट, इसलिए उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन दो चार फोन्स इन, ये जो अलग अलग ब्रांड्स हैं, नोकिया, माइक्रोमैक्स वगैरह, इनकी तरफ से भी आएंगे दोस्तों, दैट्स फॉर श्योर। कौन से क्या अभी पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। मुझे लगा था इस टाइम के अपकमिंग की लिस्ट, मे की जो अपकमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट है, थोड़ी छोटी होगी। नहीं दोस्तों, इट इज़ प्रीटी बिग। हाँ, मार्च एंड अप्रैल को नहीं मैच कर पाएंगे, बट फिर भी साइजेबल नंबर ऑफ फोन्स आर लॉन्चिंग इन में। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।